आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के Q3 थ्री अर्निंग्स के बारे में और Q3 थ्री अर्निंग्स दोस्तों आ चुकी है और आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि Q3 थ्री अर्निंग्स बहुत ज्यादा शानदार आई है और जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज्यादा शानदार आई है तो आप समझ लीजिए कितनी शानदार आई है आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कैसे क्यू थ्री अर्निंग्स आई है क्या आगे आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए शेयर में अपसाइड अप टारगेट क्या हो सकता है तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर दोस्तों आप चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना तो दोस्तों देखिए तो तो लगातार आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया और आपको कहा था कि यहाँ पे जो इसके रिजल्ट्स आएंगे वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया आते हुए नजर आएंगे और जो ला, जो उनका लॉस है वो आपको इस बार भी नैरो होता हुआ देखने को मिलेगा और देखिए सेम टू सेम हुआ है और कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वोडाफोन आइडिया है जो इनके सब्सक्राइबर्स का डेटा है वो इस बार पता चल रहा है कि उनका क्यू ऑन क्यू में जो सब्सक्राइबर डेटा आया है वो यहाँ पे इनको इनके सब्सक्राइबर्स में इंक्रीज देखने को मिला है तो देखिए सबसे शानदार खबर आई है और यहाँ पे पूरे रिजल्ट्स बताऊँगा आपको सबसे पहले शेयर का देखिए अगर प्राइस देखते हैं फ्राइडे को तो यहाँ पे आप देखिए ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो पे क्लोजिंग दी है चालीस पैसे डाउन रहा है थ्री शेयर में आपको देखिए डाउनफॉल देखने को मिला है बट उसके देखिए जो डाउनफॉल था वो थोड़ा बहुत जो इसके रेजिस्टेंस है इसको आपको प्रेशर देखने को मिलता है सेम टू तो सेम वही हुआ तेरह रुपये का हाई बनाया था शेयर ने बट उसको क्रॉस नहीं कर पाया बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली क्रॉस करेगा सबसे पहले रिजल्ट्स के ऊपर देख लेते नजर डाल लेते हैं तो दोस्तों देखिए वोडाफोन आइडिया क्यू थ्री रिजल्ट कंसॉलीडेटेड नेट लॉस नैरो फाइव थ्री टू करोड़ ऑन वन टाइम गेन तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया का जो लॉस है वो आपको नैरो होता हुआ नज़र आया है जो हो चुका है चार हजार पाँच सौ बत्तीस करोड़ ऑन वन टाइम गेन यानी इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ा पा रही है तो वोडाफोन आइडिया टू रिपोर्टेड अ कंसॉलीडेटेड नेट लॉस ऑफ फोर पॉइंट फोर करोड़ फोर uh, करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर एज अगेंस्ट नेट लॉस ऑफ 7218 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर तो आपको इस बार का जो लॉस देखने को मिला है वो 4532 करोड़ देखने को मिला है जो पहले था 7218 करोड़ तो लॉस में दोस्तों भारी देखिए आपको गिरावट देखने को मिली है और कंपनी लॉस आपको करती हुई कम नजर आई है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों इस बार वन परसेंट आपको बढ़ता हुआ नजर आया है क्वार्टर में जो बढ़ के हो चुका गाइज 10894 करोड़ तो so, ये जो ग्रू 1% है वो ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपना रेवेन्यू को बचा पा रही है और उसको और भी इनक्रीस कर पा रही है एनालिस्ट ने दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या सजेस्ट किया था कि इस बार कंपनी 6463 करोड़ आपको इनका लॉस बताएगी और वो जो छः हज़ार है वो देखिए सिर्फ चार हज़ार आया तो ये इंपॉर्टेंट है कि करीबन आपको देखिए अपने एनालिस्ट से यानी स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं जो रेवेन्यू है उसमें भी आपको काफी बढ़िया आपको देखिए इंक्रीज देखने को मिला है एक परसेंट का वाली इंक्रीज देखने को मिला है लेकिन इंक्रीज देखने को मिला है ये, ये एक बड़ी बात है अब देखिए अगर आगे देखते हैं तो ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी सॉ वन टाइम नेट गेन ऑफ रुपीज वन सिक्स नाइन सिक्स पॉइंट फाइव करोड विच इंक्लूड्स गेन मेड ऑन सेल इन द स्टेक ऑफ इंडस टावर इन द प्रीवियस क्वार्टर द कंपनी हैड रिपोर्टेड वन टाइम लॉस सेवन सिक्स सेवन करोड़ तो जो पहले लॉस था 7, 6, 7 करोड़ का वो अब बढ़ के गेन हो चुका है उसके कारण भी आपको फायदा देखने को मिला लेकिन देखिए वन सिक्स नाइन सिक्स पॉइंट फाइव करोड़ का अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है अब वोडाफोन आइडिया ने, ने क्या कहा वोडाफोन आइडिया सेड दैट इट इज एन एक्टिव डिस्कशन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू रेस जो देखिए बात चल रही है कि ये देखिए अब फ़ंड रेस करेगी कंपनी बिकॉज इनको देखिए पैसा बिल्कुल चाहिए ताकि अपने डेट चुका सके तो अब ये जो अपने डेट से पैसा आपको जुटाती हुई नजर आएगी करीबन पच्चीस हज़ार करोड़ जो चुक वो जो आपको ये पैसा बनाएगी इक्विटी के शेयर से और डेट से तो ये कंपनी ने दोस्तों देखिए अब आपको पूरा फाइनलाइज कर दिया है तो कंपनी का दोस्तों एक्टिव डिस्कशन है पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ कि ये फंड कैसे रेस करें आफ्टर इस ब्रो बोर्ड इन द प्रीवियस क्वार्टर अब देखिए अगर यहाँ पे आप, आप देखें तो वोडाफोन आइडिया कंसॉलिटेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो वर्ड है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही बहुत इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए और कंपनी ने देखिए कहा इन द क्वार्टर रोज थ्री पॉइंट टू परसेंट ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टू फोर टू एट सिक्स पॉइंट टू करोड़ द टेलीकॉम कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपांडेड एट्टी बेसिस पॉइंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर टू थर्टी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट तो आपको जो इस बार इनका प्रॉफिट देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू वो राइज हुआ है करीबन थ्री पॉइंट टू परसेंट तो फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एट्टी सिक्स करोड़ और जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी दोस्तों एट्टी बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट पर तो ये दोस्तों बहुत ही शानदार है और देखिए अब अप, उन्होंने अपने जो सब्सक्राइबर्स है दोस्तों वो भी इस बार रिटेन किए और गेन किए इन क्यू थ्री एफ आई ट्वेंटी वन वी इम्प्रूवड आर सब्सक्राइबर्स रिटेंशन एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सेड रविंदर टक्कर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एट वोडाफोन आइडिया इन एंड अर्निंग स्टेटमेंट तो अगर कंपनी कह रही है कि देखिए हम सब्सक्राइबर्स बचा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है और कंपनी ने ये भी कहा है वी रिमेन फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग आर स्ट्रेटेजी एंड आर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान रिमेन्स ऑन ट्रैक टू तो डिलीवर द टारगेटेड सेविंग्स तो कंपनी ने दोस्तों क्या कहा था पिछली बार कि वो करीबन चार करोड़ का देखिए सेविंग्स करेगी तो इस बार और कंपनी ने इसके ऊपर क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि हमने अब वो पचास परसेंट आपको कंपनी ने वो अपने जो टारगेट है वो बचा लिए तो ये दोस्तों बहुत ही शानदार संकेत है और मुझे लगता है क्योंकि जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था जो है वो भी दोस्तों इस बढ़ा है, 121 से, 121 हो चुका है 119 से। और कंपनी ने ये भी कहा कि सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में वाइल यूजर्स रिड्यूस टू टू पॉइंट इन फ्राम टू पॉइंट सिक्स परसेंट तो यह भी बहुत बढ़िया खबर है कंपनी के आप देखेंगे तो ओवरऑल सब्सक्राइबर्स करीबन दो मिलियन डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं जो हो चुके हैं टू सिक्स पॉइंट एट मिलियन पर वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर फोजी सब्सक्राइबर का है वो करीबन वन जीरो नाइन पॉइंट सेवन मिलियन हो चुका है तो यह बिल्कुल अच्छी बात है कंपनी इंक्रीज कर रही है थ्री मिलियन देखिए आपको इस बार इंक्रीज देखने को मिला है प्रीवियस क्वार्टर से अब अगर आगे देखते हैं तो कंपनी की जो डेट है वो हो चुकी है दोस्तों करीबन 1.1 लाख करोड़ और तो और ये देखिए जो अब इंपॉर्टेंट क्या है आपको देखिए आगे की क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए रिजल्ट्स ये आपको डेफिनेटली समझनी चाहिए काफ़ी बढ़िया है भले लॉस रिपोर्ट किया है लेकिन लॉस कम रिपोर्ट किया है और ये एक अच्छा संकेत है कंपनी अपने सब्सक्राइबर्स गेन कर पा रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस में ये भी एक अच्छी बात है कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर पा रही है ये भी एक अच्छी बात है तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है और कह सकते हैं बिल्कुल है ही नहीं अब अगर दोस्तों आप इसके पिछले तीन महीने का चार्ट देखिए अगर क्वार्टर क्वार्टर देखते हैं तो तीन महीने का चार्ट देखिए आफ्टर द रिजल्ट शेयर फोर्टी सेवन परसेंट इंक्रीज़ हो चुका है जो बहुत शानदार है शेयर ने अपना इस बीच में अपना फिफ्टी टू वीक हाई भी बनाया है थर्टीन पॉइंट एट जीरो का और अब वापिस से नया 52 वीक हाई बनाएगा और जिन लोगों ने ले रखा है मेरे कहने पे देखिए मैंने आपको आप पिछले वीडियोस निकाल के देख लीजिए मेरे वोडाफोन आइडिया पे जब भी गिरावट हुई है मैंने आपको जस्ट एक बात करी है कि यहाँ पे बाय करिए बाय करिए बाय करिए और देखिए कंपनी ने जो रिजल्ट्स दिखाए थे पिछली बार देखिए मैंने आपको किस बेसिस पे कहा है पिछली बार जो रिजल्ट्स आए थे वो शानदार नहीं बहुत शानदार आए थे और मैंने कहा था कि रिजल्ट्स कंपनी ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाए हैं और अब इस बार जो आएँ वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार आएँ तो आप कंपनी अपने जो रिजल्ट्स उसको मैनेज कर पा रही है और अच्छा दिखा पा रही है कंपनी अपने तो खत्म होती हुई नजर आ रही है कम होती हुई नजर आ रही है और यहाँ से मुझे लगता है कि बिल्कुल शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा अब तेरह रुपये अस्सी पैसे तो ये तोड़ेगा ही तोड़ेगा बट यहाँ पे मुझे लगता है जो पंद्रह का टारगेट है वो अचीवेबल हो सकता है तो आपको बिल्कुल बाइंग करनी है इसके अंदर और एंट्री जिन्होंने ले रखी है वो ना सेल करें बिल्कुल मेरी राय सेलिंग की नहीं होगी क्योंकि देखिए रिजल्ट अच्छे आएँ तो आपको अगर कल नहीं बढ़ता लेकिन ये जरूर आगे बढ़ेगा इस क्वार्टर में ज़रूर बढ़ेगा अगले क्वार्टर में जो भी होगा तो यहाँ पे आप तीन महीने का इसमें लक्ष्य लेके चलिए पंद्रह रुपये का पंद्रह सोलह रुपये का जो मुझे लगता है अचीवेबल है अब टेक्निकल्स देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया उसमें देखिए साफ साफ था कि शेयर में अभी भी आपको एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आया है बट यहाँ पे आप देखेंगे तो शेयर में अब जो रिजल्ट की बेसिस पे ये वर्क करेगा ये स्ट्रॉगली परफॉर्मेंस देगा तो देखिए जो रजिस्टेंस है थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री थर्टीन पॉइंट एट टू एंड फिफ्टीन पॉइंट जीरो सेवन थर्टीन पॉइंट एट टू जैसे ही क्रॉस होगा पंद्रह रुपये का इमीडिएट टारगेट होगा स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है स्टॉप लॉस करिए ग्यारह रुपये का मेंटेन तो तीन महीने का आपको देखिए ये टाइम फ्रेम बता रहा हूँ बाय करो सी एम पी पे टारगेट रखो यहाँ से पंद्रह रुपये से लगाकर सोलह रुपये तक के जो मुझे लगता है अचीवेबल बिल्कुल है और जो एसएल एसएल मेंटेन करना है वो कितना करना है यहाँ से दोस्तों होगा साफ साफ ग्यारह रुपये का तो दोस्तों इस इस ट्रैटेजी से अगर आप चलते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया होगा और जो रिजल्ट है दोस्तों वापस कर रहा हूँ बहुत शानदार है बने रहिए बने रहिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों इस वीडियो में इतना आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को शेयर भी जो करिएगा थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वचिंग दिस वीडियो